मैनुफैक्चरिंग कॉन्सेंट द पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया नॉम चम्प्स मशहूर जमाना राइटर का एक और शाहकार पिछले पिछले हफ्ते मुझे ये बुक पढ़ने का मौका मिला उससे पहले मैंने काफ़ी पहले मैंने स्टार्ट की थी बुक बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम आईंट एक्चुअली कम्प्लीट द बुक तो लास्ट वीक मैंने ये कम्प्लीट की तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स आई फेवरेट रेड ऑन द मास मीडिया आफ्टर मैकब्राइट कमीशन ये एक ऐसी बुक है जिसने क्लियर कर दिया है कि मीडिया कैसे काम करता है और मीडिया के क्या मसाइल होते हैं और मीडिया के क्या इश्यूज होते हैं एंड हाउ एक्चुअली मीडिया वर्क्स एंड हाउ इज़ मीडिया बीइंग रेगुलेटेड तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं मैं उनमें से पांच स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो इस बुक में जो बयान किए गए हैं उनमें से पाँच स्पेसिफ़िक कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करूँगा सबसे पहले है इसका प्रोपेगेंडा मॉडल इस बुक के अंदर इस पूरी बुक को डिवेल्प जो किया गया है वो प्रोपेगेंडा मॉडल के ऊपर डेवलप किया गया नोम चोम्सकी कहते हैं कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं और जितने भी जर्नलिस्टिक काम दुनिया में हो रहे हैं उन सब की एक मजबूरी होती है वो मजबूरी है उनके एडवर्टाइज़र्स उनका जो मॉडल है उनका जो मॉडल है बिज़नेस मॉडल जो है वो ख़ुद एक ऐसी उनकी बीमारी बन चुका है कि जो आ, उनकी उनकी तशहर के लिए उनके एडवाइस के लिए उनके काम करने के बीच में रुकावट बन जाता है उनका अपना मीडिया मॉडल मीडिया हाउसेस का अपना मीडिया मॉडल के सच बोलने में रुकावट पेश होता है उसके लिए इसने कहा है प्रोपेगेंडा मॉडल उसका नाम दिया है कहता है कि जिस भी मीडिया हाउस को स्पॉन्सर किया जाता है जो भी मीडिया हाउस स्पॉन्सर होता है तो वो मीडिया हाउस एक्चुअली किसी से पैसे लेके उनके एडवर्टाइज करता है जैसे फॉर एग्जांपल एजेंसीज़ होती हैं कॉर्पोरेशंस होती हैं गवर्नमेंट होती है और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका जिनसे पैसे लेके वो क्या करते हैं एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं अब जब एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो वो मीडिया uh, हाउसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी ट्रुथफुलनेस को उनकी इंटैग्रिटी को और उनकी जैननेस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के लिए जब आप कहीं से स्पॉन्सरशिप लेते हैं जब आप डिपेंडेंट होते हैं अपने थाट uh, में जब आप स्पॉन्सर्ड होते हैं तो आप वो सच नहीं बोल सकते जो आपको बोलना चाहिए तो कहता है कि ये जो मीडिया हाउसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन सब के पीछे स्पॉन्सर्स का हाथ है और वो स्पॉन्सर्स जो चाहते हैं उस तरह का सच दुनिया को दिखाते हैं ये वो सच नहीं है जो मीडिया दिखाता है ये वो सच है जो स्पॉन्सर्स दिखाना चाहते हैं तो हमेशा यही होता है कि जिस भी अब आजकल सोशल मीडिया में एक प्रोसेस चल रहा था हंड्रेड डेज़ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट तो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ स्पॉन्सर किए थे उससे पहले टू uh, और नाइनटीन सम uh, किसी साल में पी uh, की गवर्नमेंट ने भी इस तरह का कोई वो काम किया था स्पॉन्सर किए थे कुछ इन्फ्लूसर्स uh, को तो इस सब को इस सब को क्या कहते हैं नोम चोम्स की प्रोपेगेंडा मॉडल कहते हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में देखें जैसे यूक्रेन uh, वॉर है ठीक है और उसके साथ पैलेस्टाइन वॉर है इसराइल पैलेस्टाइन और यूक्रेन रशिया है उनकी टर्मिनोलॉजीज़ में अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल को सीधे सीधे बताया जाता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैज़ बीन बॉम्ब्ड लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है पैलेस्टाइन में यूक्रेन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकिन पैलेस्टाइन के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं होता वहाँ पे ह्यूमन शील्ड्स बताए जाते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि देर आर सम टेररिस्ट हाइडिंग इन द लोकल प्लेसेस लोकेलेटीज़ तो मतलब लैंग्वेज ही शिफ्ट हो जाती है लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्यों होती है क्योंकि उनके डोर पर जो उनको चलाता है, होता है वो आ, जो स्पॉन्सर होता है वो नहीं चाहता है उसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं अगर वो सच दिखा दें तो मीडिया हाउसेज भी एग्जैक्ट वही सच दिखाते हैं जो उनके स्पॉन्सर्स दिखाना चाहते हैं तो दैट्स हाउ इट वर्क इसको नोम चम्सकी कहते हैं प्रोपेगेंडा मॉडल नोम चम्सकी लिखते हैं, की लिखते हैं uh, कि द मीडिया सर्व एंड प्रोपेगेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ द पावरफुल सोशल सोसाइटल इंटरेस्ट दैट कंट्रोल एंड फाइनेंस दैन एग्जैक्ट कोर्ट एंड कोर्ट ओके okay, सो so, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फाइव एडिटोरियल बाइसिस नामचॉम्स की पाँच एडिटोरियल बाइसिस बताते हैं नंबर वन वो बताते हैं कि इट्स ओनरशिप कि मीडिया कौन ऑन करता है वो मीडिया हाउस कौन ऑन करता है ठीक है जैसे पाकिस्तान के अंदर भी है स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कुछ मीडिया हाउसेस को ऑन करते हैं कुछ मीडिया हाउसेस को स्पेसिफिक लोग ऑन करते हैं इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी इसी तरह का होता है तो जब कोई पोलिटिकल एफिलिएशन होती है किसी मीडिया हाउस के साथ तो वो मीडिया हाउस कभी भी अनबायस्ड और थर्ड पार्टी के तौर पर किसी चीज़ को नहीं देख सकता तो दूसरी चीज़ बताते हैं नोम चम्स की दूसरा एडिटोरियल बाइस क्या होता है दैट इज़ एडवर्टाइजिंग जब आप किसी से एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे लेते हैं तो उसकी ही एडवर्टाइजिंग करते हैं जब उससे पैसे लेते हैं जब उसका नमक खाते हैं तो उसके ही गुन गाते हैं उसके अलावा आप किसी की बात नहीं कर सकते हैं उसके बाद कहते हैं सोर्सिंग आपको न्यूज़ मिलती कहाँ से किस बंदे से मिलती है आपका सोर्स को क्या है न्यूज़ का गवर्नमेंट से मिलती है कॉरपोरेशन से मिलती है जिससे भी मिलती है वो अपने हिसाब से न्यूज़ को क्राफ्ट करता है फिर बताते हैं फ्लैग तो आपका वहीं सेम सोर्सिंग वाली बात है आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कौन है ठीक है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर कौन है और उसके साथ एंटी कम्यूनिज़म और इसको फियर आइडियालॉजी लिखा है ठीक है यानी दुनिया में एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर देना कि जिसके जरिए आपका जो दुश्मन है उसके खिलाफ दुनिया में फियर क्रिएट करना उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट करना फॉर एग्जांपल इस्लामोफोबिया इज़ ए कॉन्सेप्ट इस्लामोफोबिया के ऊपर बड़ा काम हो रहा है ठीक है दुनिया के अंदर इस्लाम के ऊपर बड़ा काम हो रहा है फियर आइडियालॉजी फ्राम बेड फियर फ्राम बी फियर फ्राम टर्बन फियर फ्राम कमीज शलवार एंड फियर फ्राम वेस्ट ईस्ट सॉरी ईस्ट के जितने भी वो हैं कपड़े हैं उनको बुद्धू वाले कपड़े और उनको टेररिस्ट वाले कपड़े और जब भी टेररिस्ट अब ऐसा एक माइंडसेट बन गया है दुनिया का कि जब भी टेररिस्ट की बात आती है तो मतलब टर्बन आती है धाड़ी वाले आ जाते हैं और कपड़े वाले आ जाते हैं उनके साथ पर वहीं हथियार दे जो वेस्ट ने सबसे पहले दिए थे स्पॉन्सर करके वहीं हथियार लेके वो सामने आ जाते हैं इस तरह की एक आई डियोलॉजी हो गई है इस तरह का एक माइंडसेट बन गया है दुनिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए उनके बिहाइंड ऐसे प्रोपेगेंडा सेट किया गया है जिसके जरिए एक आ, पिक्चर बन गई है पिक्चर ऑफ टेररिस्ट इज इक्वल टू द पिक्चर ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू ईस्ट ऐसे एस, ऐसी कोई आइडियोलॉजी, दिस इज इस्लाम ऑफ ओबीआई पर्सन बिलोंगिंग टू इस्लाम सिंपली। तो इसके इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ऐसे सेट किया जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता दिस इज फ्योर आइडियालॉजी जो आपका दुश्मन है बुरी चीज़ें जितनी भी हैं आपने दुश्मन के साथ मुंसलिक करके उसको पेश किया जाता है रिपीटडली उसको सामने लाया जाता है जिसकी वजह से लोग लो क्या करते हैं उस चीज़ को उस उस झूठ को मानने लग जाते हैं लाई ऑफ एन टोल्ड बिकम्स द ट्रूथ Uh, जैसे कहा जाता है तो ये चीज़ uh, इसको एडिटोरियल um, बायस कहता है नोम चोम्सकी इसमें ऑनरशिप एंड एडवर्टाइजिंग को थर्ड नंबर पर ऑनरशिप और एडवर्टाइजिंग को मजीद एक्सप्लेन करते हुए चोम्सकी कहते हैं कि टू ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्टर्स आर ऑनरशिप एंड एडवर्टाइजिंग लार्ज कॉरपोरेशन ऑन मेजर मीडिया आउटलेट्स दे एंड दे डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स एंड ऑनर्स कन्वर्ज रिजल्टिंग इन नैरो रेंज ऑफ डिस्कोर्स एंड एंड कवरेज कहता है कि ये uh, ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है बीच में आप सच बोलना चाहते हैं लेकिन अगर सच बोलेंगे तो आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता और अगर आप सच नहीं बोलते हैं तो आपकी इंटेग्रिटी नहीं रहती तो दिस इज़ ऑफ इंटरेस्ट ऑनरशिप और एडवर्टाइजिंग का ये बहुत बड़ा ताजा दुनिया में चलता है या तो आपकी आपका मीडिया हाउस आपने ऑन करना है खुद ही चलाना है या फिर ये करना आपने एडवर्टाइजिंग करना है ओनरशिप और, और एडवर्टाइजिंग का कॉन्फ्लिक्ट चलता है इसके ऊपर बहुत ही पावरफुल बहस की है चोम्सकी ने सोर्सिंग एंड फ्लेक आपकी इन्फॉमेसन मिलती है कहाँ से नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताते हैं वो सोर्सिंग एंड फ्लेक है कि मतलब आपका आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आपके सोर्सेज क्या हैं ठीक है और उसके ऊपर भी बड़ी खूबसूरत बहस कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि एंड एंड गोल ये बताते हैं कि एंटी आइडियालॉजीज़ मतलब इस सबका मकसद ये होता है कि आपके अगेंस्ट जो आइडियालॉजीज़ हैं जो आइडियालॉजीज़ आपके अगेंस्ट हैं उनको डेमोनाइज करके पेश करना जैसे फॉर एग्जांपल लिबरल डेमोक्रेसी है लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दुनिया में कहीं पर भी कोई बात होती है तो वेस्ट उसको क्या करता है उसको डेमोनाइज़ करके पेश कर लेता है और फॉर द इस्टेबलिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नो फॉर डेमोक्रेसीबलिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इराक़ बगदाद ये आपके मिडल ईस्ट सीरिया दुनिया में जहाँ भी मेजर वॉर्स हुई हैं वो फॉर द सेक ऑफ़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी या फिर फॉर द सेक ऑफ यू नो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म तो आ, पोस्ट कोल्ड वार के बाद जितनी भी मेजर वार्स हुई वो सारी इसी तरह की आइडियोलॉजीज के ऊपर हुई हैं यानी वेस्ट के अगेंस्ट जो आइडियोलॉजीज हैं एंटी आइडियोलॉजीज ऑफ द वेस्ट उसके ऊपर बात हुई है उसकी उसकी वजह से मेजर वार्स हुई हैं अभी भी जितना फॉर जस्ट सपोज पैलेस्टाइन एंड इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है वो भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आइडियोलॉजीज का कॉन्फ्लिक्ट है जैसे हंटिंगटन uh, कहते हैं कि क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन का क्लेश है और आइडियोलॉजीज का क्लेश है इट्स नॉट द क्लेश ऑफ टेरिटरीज एनी मोर इट्स नॉट द क्लेश ऑफ नेशन स्टेट्स इट द क्लेश ऑफ आइडियोलॉजीज और जैसे फोकियामा में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्रांसिस फोकियामा ने द एंड ऑफ हिस्ट्री का जो थीसिस उन्होंने दिया था उन्होंने इतना फ्लॉड थीसिस दिया था कि एंड ऑफ हिस्ट्री दुनिया का खात्मा हुआ है और आखिरी जो आइडियालॉजी होगी इसके बाद कोई आइडियालॉजी नहीं आने वाली है तो द वैलिड गवर्नमेंट जो हमारे पास होगी दैट विल बी डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी लिबरलिज्म लिबरल इंटरनेशनलिज्म उसने यूज़ किया था तो uh, जितनी भी उसके अलावा लिबरल इंटरनेशनलिजम के अलावा आइडियालॉजीज़ हैं उन सबको डेमोनाइज करके पेश किया जाता है जब उनको डेमोनाइज किया जाता है तो उनका जो कॉन्सेप्ट है उनका जो आइडिया है उनकी जो डेमोक्रेसी आइडिया है जो उन्होंने पेश किया है उसको ज़्यादातर ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और दैट दैट क्रिएट्स ए पावरफुल इलीट इंटरनेशनल इलीट क्रिएट कर लेता है और उसकी वजह से ज़्यादातर लोग उनके आइडिया को फॉलो करते हैं तो फिर वो जिस तरह आइडिया को मोल्ड करना चाहते हैं उस तरह आइडिया को मोल्ड कर लेते हैं और लोगों के ब्रेन को जिस तरह मोल्ड वो करना चाहते हैं वैसे वो मोल्ड कर लेते हैं सो दैट्स हाउ सम्स अप द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैन फैक्चरिंग कॉन्सेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ़ मास मीडिया हरमन और चॉम्सकी ने इस बुक के अंदर बहुत खूबसूरती से इस इज़ जस्ट वंडरफुल बुक यू शुड रियली रीड द बुक एंड आई सजेस्ट द बुक स्ट्रांगली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पढ़ें इस बुक को दिस इज़ सच वंडरफुल बुक सो सी यू एंड अर्दर बुक इसराइल लॉबी एंड द फॉरन पॉलिसी ऑफ द यूनाइट स्टेट्स नेक्स्ट हमारी बुक ये होगी तो सी यू एन अनदर बिक इन शहफ़